क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। वैसे तो वर्ल्ड कप 2019 के बाद कई क्रिकेटर क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह देंगे। भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई दिग्गज रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। सामने आया कि भारत की तरफ से एमएस धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। वहीं वेस्ट इंडीज के धाकड़ क्रिस गेल पहले ही कह चुके हैं कि वो वर्ल्ड कप के बाद वनडे मैचों को अलविदा कह देंगे। अब एक और जाबाज गेंदबाज और आईपीएल में धोनी के खासम खास कमांडर ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर क्रिकेट फैंस को झटका दे दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी लेग स्पिनर और आईपीएल में धोनी की टीम से खेलने वाले इमरान ताहिर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इमरान ताहिर ने कहा कि वो इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। हालांकि ताहिर ने कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से T20 अंतर्राष्ट्रीय में खेलना जारी रखेंगे। ताहिर के बिहाफ पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने भी इस बाबत ट्वीट किया और लिखा, ICC वर्ल्ड कप 2019 इमरान ताहिर के वनडे करियर का लास्ट अपीयरेंस होगा, मगर 39 साल का ये प्लेयर अपने देश के लिए T20 खेलता रहेगा। वहीं ताहिर ने भी इस बारे में कहा कि वो संन्यास के बाद कुछ समय खुद को देना चाहेंगे और फ्रीलांस क्रिकेट की तरफ फोकस करेंगे। उन्होंने कहा, मैं बस ये विश्व कप खेलना चाहता हूं और फिर कभी वनडे नहीं खेलूंगा। आपको बता दें, ताहिर ने 95 वनडे में 156 विकेट लिए हैं और इससे पहले 2011 और 2015 विश्व कप भी खेल चुके हैं और 2019 वाला विश्व कप उनका तीसरा और आखिरी वर्ल्ड कप होगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।